गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम करेंगे। हमने इसमें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम तक कर लिया है। अब आगे देखो, आपको एक टेबल दी गई है, द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम के और उनके यूजेस दिए गए हैं। तो देखो, फर्स्ट पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में होती है उसको हम LPG बोलते हैं। बिलो 40 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 या फिर 4 होते हैं। यूजेस, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल एट होम्स एज LPG एंड फॉर इंडस्ट्रीज। आप देखते हो ना, आपके घर पर जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? पेट्रोलियम गैस होती है, और वो क्या होती है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है गैसोलीन और पेट्रोल। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 5 से 9 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर कार्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स, एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ्स इन द प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोल गैस इन लेबोरेटरी, एंड एज एन एविएशन फ्यूल। तो आपको जो पता ही है कि जो पेट्रोल है वो किस में यूज़ किया जाता है? कार्स में, स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल्स में, फ्यूल की तरह। और ड्राई क्लीन करने के लिए भी क्लॉथ्स का पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। पेट्रोल गैस बनाने में लेबोरेटरी में पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड देखो, केरोसिन। केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट है 170 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक। 10 to 12 इसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन विक स्टोव्स टू कुक फूड एंड पेट्रोमैक्स लैम्प्स फॉर लाइटनिंग पर्पसेस। ये किस में यूज़ किया जाता है? विक स्टोव्स में इसका यूज़ किया जाता है। ये देखो, यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है विक स्टोव की, और खाना बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। पेट्रोमैक्स लैम्प्स में भी इसका यूज़ किया जाता है लाइटिंग पर्पस के लिए। अ स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ यूज्ड एज एन एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन्स। जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं उसमें भी एविएशन फ्यूल की तरह केरोसिन ऑयल यूज़ किया जाता है। फोर्थ है हमारा डीजल। 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 13 से 15 तक इसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, रेलवेज इंजन्स एंड ships टू रन वाटर pumps required फॉर irrigation इन fields एंड टू प्रोड्यूस electricity ऑन अ स्मॉल स्केल। जब बड़े बड़े डीजल चलाने होते हैं जैसे ट्रक वगैरह, तो हम डीजल का यूज़ किए करते हैं। जब ट्रक वगैरह चलाने होते हैं, ट्रैक्टर्स, रेलवे इंजन चलानी है, ships चलानी है, या वाटर pumps irrigation के लिए चलानी है, तो उसमें भी हम डीजल